हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी फाई। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे वीडियो के नीचे दिख रहे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पर दबा दीजिए, ताकि जैसे मैं अपनी नए वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले एमपी बोर्ड परिणाम 2022, एमपीबीएससी 10वीं और 12वीं के परिणामों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्चेकिंग के लिए आवेदन कैसे करें। तो चलिए हम चलते हैं। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम 2022 उत्तर पत्रक रीचेकिंग मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एमपीबीएससी ने 29 अप्रैल 2022 को एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित किए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा के छात्रों के लिए एमपी बोर्ड परिणाम 2022 घोषित किया गया। उसी दिन यानी शुक्रवार को वर्चुअल और आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.nic.in और mprizult.nic.in पर ऑनलाइन प्रकाशित किया गया। एमपी बोर्ड परिणाम 2022 के अब घोषित होने के साथ कुछ छात्र जिन्हें अपने प्रदर्शन के परिणाम के बारे में संदेह है, वे बोर्ड को उत्तर पुस्तिकाओं की रीचेकिंग के लिए आवेदन करना चाह सकते हैं। एमपी बोर्ड इसके लिए विस्तृत प्रक्रिया और प्रक्रिया अधिसूचित की है। रीचेकिंग और रिटोटलिंग के लिए 11 मई तक करें आवेदन। रीचेकिंग और रिटोटलिंग के लिए 11 मई तक लास्ट डेट है, इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिसको भी रिटोटलिंग और रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है वो 11 मई तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम 2022 को 29 अप्रैल को घोषित करने के साथ साथ एमपीबीएससी ने बोर्ड द्वारा रीचेकिंग और रिटोटलिंग के बारे में विवरण को भी अधिसूचित किया। साझा किए गए विवरण के अनुसार एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की रीचेकिंग और रिटोटलिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू और 11 मई 2022 तक जारी रहेगी। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.mponline.government.in पर लॉगिन करना होगा। उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच के लिए पंजीकरण करने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के एमपी बोर्ड परिणाम रीटोटलिंग और रीचेकिंग के लिए आवेदन कैसे करें। तो चलिए हम देखते हैं कि हम आवेदन कैसे कर सकते हैं। जो छात्र संतुष्ट नहीं है या महसूस करते हैं कि एमपीबीएससी 10वीं और 12वीं के परिणाम 2022 में कोई त्रुटि या विसंगति हुई है, उत्तर पुस्तिका की जांच आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एमपी बोर्ड रिजल्ट रीटोटलिंग के लिए आवेदन करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया नीचे संक्षेप में बताई गई है। सबसे पहले आपको mpbsc.mponline.government.in पर लॉगिन करना है। फिर उसके होम पेज पर नागरिक सेवाओं के लिए लिंक खोजें और क्लिक करें। फिर अगले टैब पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में एमपीबीएससी चुनें। अगले पेज पर रीटोटलिंग आवेदक पत्र खोजें और क्लिक करें। आवेदक पत्र में आवश्यक विवरण दर्ज करें, जिसमें आवेदक का प्रकार, परीक्षा का नाम, रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष, परीक्षा का प्रकार आदि शामिल है। सभी विवरणों को सत्यापित करें।
और पोर्टल पर फॉर्म जमा करें। अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान करें और आधिकारिक वेबसाइट से रसीद की एक प्रति उत्पन्न करें। रीचेकिंग रीटोटलिंग के लिए आवेदन करने के बाद उम्मीदवार रसीद में उल्लिखित आवेदन संख्या और अन्य विवरण प्रदान करके अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति की जांच कर सकेंगे। तो चलिए हम चलते हैं mpbsc.mponline.government.in की आधिकारिक वेबसाइट पर। तो हम आ चुके हैं mpbsc.mponline.government.in की आधिकारिक वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो काउंटर बेस्ड फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रीटोटलिंग एंसर बुक एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट भी दिखाई दे रही होगी, जो है 29 अप्रैल 2022 और 13 मई 2022। आपको रीटोटलिंग एंसर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। फिर आपके पास एक ऐसा पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एप्लीकेशन टाइप। तो आपको अगर आपकी आंसर बुक चाहिए या रीटोटलिंग के लिए आपको भेजना है, तो हमको रीटोटलिंग के लिए भेजना है तो हम रीटोटलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन है क्लास। तो आप कक्षा 10वीं में छात्र है या कक्षा 12वीं की छात्र है उसका चयन करें। फिर थर्ड ऑप्शन है एग्ज़ाम टाइप। तो यहाँ पर आपको मेन एग्ज़ाम पर क्लिक करना है। तो आपने कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा किस साल में पास की है उसके बारे में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 2022। और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालकर और यहाँ पर एक कोड आ रहा होगा उसको फिल करके सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पर 109 रुपये या 100 रुपये का आपको फीस दी जाएगी। उसको भरने के बाद आपके पास रिसिप्ट डाउनलोड कर लेनी है। तो आपका फॉर्म हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।